अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 13 के अंदर आज चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसके लिहाज से हमारे पास गैस लॉज हैं, बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उनको हमने स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयज लॉ, जिसकी हमने डेफिनेशन और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्टडी करना है। तो इन लॉज को स्टडी करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे डिफ्यूजन है, इफ्यूजन है, प्रेशर वगैरह है, कंप्रेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है, इन सब को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो इफ्यूजन है, इफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई मालिक्यूल्स ऑफ गैस कन्फाइंड इन अ कंटेनर रैंडमली पास थ्रू आउट एनी ओपनिंग इन द कंटेनर। यानी गैस के मालिक्यूल्स का एक स्मॉल होल के साथ बाहर की तरफ स्कैप का जाना, यानी स्कैपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल, डैट इज़ कॉल्ड एज इफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सअप होना। तो द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू मालिक्यूल्स या टू गैसेस ड्यू टू देयर स्पॉन्टेनियस मोशन या रैंडम मोशन, डैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यानी जब गैस के मालिक्यूल्स एक स्मॉल होल के साथ अपने आप को स्कैप कर लेते हैं तो वो अमल इफ्यूजन कहलाता है। लेकिन जब गैस के मालिक्यूल्स अपने आप को रैंडमली मोशन के साथ एक मिक्सअप करके न्यू मिक्सचर बनाते हैं तो वो हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। इफ्यूजन मतलब स्कैप कर जाना, डिफ्यूजन का मतलब मिक्सअप हो जाना। उसके बाद हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन है। तो प्रेशर कहते हैं पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी किसी भी यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, डैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्रेशर। अब हमारे पास टॉपिक है बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने जो है उसको प्रेजेंट किया? तो इन 1662 रॉबर्ट बॉयल प्रेजेंटेड दिस लॉ। के रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट का नेम था जिसने इस लॉ को जो है 1662 के अंदर डिस्कवर किया। इसकी डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ गियर मास ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है या जो प्रेशर है आपस में क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नीचे हमारे पास रिलेशनशिप गिवन है कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V या फिर वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम कम होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। आप पी इन्वर्स टू वी भी लिख सकते हैं या फिर वी इन्वर्स टू पी, बात दोनों ही हमारे पास क्या होती हैं, वो ठीक होती हैं। फिर बॉयज लॉ का हमारे पास फार्मूला जो है वो है P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2। यानी कि P1 हमारे पास क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम। इस तरह P2 जो हमारे पास है फाइनल प्रेशर है, V2 हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 2 इनिशियल हैं और 2 फाइनल हैं। अगर इनमें से हमारे पास 3 वैल्यूज़ नोन हों तो हम जो फोर्थ है वो कैलकुलेशन के थ्रू जो है आसानी से एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉयज लॉ था। उसके बाद बॉयज लॉ की एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि एक सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 12 लीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटीएम। व्हाट वुड बी इट वॉल्यूम बी इफ द प्रेशर वर इंक्रीज टू 3.6 एटीएम। अब हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें गिवन हैं। एक सबसे पहले 12 लीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटीएम। अब 12 लीटर ये वॉल्यूम है V1 और प्रेशर 1.2 एटीएम ये प्रेशर है P1। वट वुड बी इट्स वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर वर इंक्रीज। अब प्रेशर को इंक्रीज़ किया है 1.2 से वो 3.6 एटीएम हो गया है, मतलब प्रेशर भी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, V1, P1 और P2। हमने क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो वो हम जब वैल्यूएट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आता है 4.0 आते हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल को एलेबोरेट करने का मकसद ये था कि हमने बॉयज लॉ को कहीं भी एप्लीकेबल, उसको अप्लाई करना हो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, तो हम उसको कैसे जो है वो क्वांटिटेटिव तरीके से उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट हमारे पास बॉयज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन जो है वो ये है कि रिलेशनशिप के बॉयज लॉ को हमने वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटल, कि आया कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है या फिर नहीं होता, या फिर जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बॉयज ने खुद एक जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया कि लेट्स टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। उसने क्या किया, किसी भी एक सिलेंडर के अंदर गैस को इनक्लोज कर दिया, फिर क्या किया उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन था मूवेबल था, ताकि जब क्या करें अगर हम प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं तो वो गैस कंप्रेस हो जाए तो पिस्टन नीचे आ जाए, डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाए। अगर हम क्या करते हैं प्रेशर को जो इन डिक्रीज़ करते हैं तो फिर हमारे पास वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर जाएगा और जो पिस्टन है हमारे पास वो अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। तो मूवेबल पिस्टन रखने का पर्पस भी यही होता है। अब नीचे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है कि 3 वेसल्स हैं और तीनों के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है, पहली वेसल के ऊपर जो प्रेशर है वो 2 एटीएम है, तो वॉल्यूम जो हमारे पास है वो 1 dm³ है। अब ये हमारे पास एक स्टार्ट की वैल्यू है कि जब हमने जो फर्स्ट वेसल है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो 2 एटीएम है
और जो हमने यहाँ पे वॉल्यूम अप्लाई किया है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर है वो हमने 4 ATM तक किया है और जो वॉल्यूम हमारे पास है वो 1/2 यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, क्योंकि बॉयज़ला हमारे पास यही कहते हैं कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हमने प्रेशर को 4 ATM किया, वॉल्यूम जो है 1/2 हो गया है। फिर थर्ड वैल्यू के अंदर हमने प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ किया है, वो 6 ATM तक ले गए हैं, तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम, क्योंकि 2 का 6 3 टाइम हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है, तो वॉल्यूम जो है 1 का 3 टाइम यानी 1/3 वो हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब हम इन सबको यानी कि P1 V1 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और P2 V2 और P3 V3 यानी तीनों वेसल्स की जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं, जब हम इनको इवेल्युएट करते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास तीनों का जो आंसर आता है वो हमेशा के इक्वल आता है, मतलब सबकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 2 फर्स्ट के लिए है, 2 सेकंड के लिए है और 2 जो है वो हमारे पास थर्ड वेसल के लिए है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो बॉयज़ला एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हो गया था। इसके साथ हमारे पास थोड़ा सा ग्राफिकली भी है, अगर बॉयज़ला को हमने ग्राफिकल एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वन गोज़ अप देन अदर गोज़ डाउन, क्योंकि इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ एक वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू कर देती है। आपके पास यहाँ देख भी नहीं कि हमारे पास यहाँ अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है प्रेशर है, अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। अब आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मैक्सिमम है, लेकिन वॉल्यूम जब आप इस पॉइंट को नीचे चेक करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, मिनिमम है। लेकिन जब आप इसको यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेक करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है और प्रेशर जो हमारे पास है वो मिनिमम है। तो इस चीज़ से हमें जाहिर होता है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर वॉल्यूम कम है और जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो अगर आपने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना हो तो आप ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कंसर्निंग टॉपिक है वो यही है कि बॉयज़ला की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसके अलावा उसको हमने एक्सपेरिमेंटल कैसे प्रूव करना है, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास वन वेसल का जो आंसर है अगर वो सेकंड के इक्वल है, अगर थर्ड के इक्वल है, मतलब सबकी वैल्यू हमारे पास क्या हो, सेम आ रही हो, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, बॉयज़ला जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अगर आंसर सेम ना आए तो इट मीन्स हमारे पास जो बॉयज़ला है वो वेरीफाई नहीं हुआ। तो यही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन थी और ये हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देखा है कि अगर हमने ग्राफ में बताना हो तो ग्राफ में भी आपके पास ये होता है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपने कर्व बनानी है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है। तो कर्व बनाने से आपके पास खुद ब खुद ये बात वाजे हो जाएगी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है जो वो हमारे पास आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।